तो व्हाट्स अप पीपल, हाउ यू गाइस डूइंग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मुसाफिर इज बैक अगेन। सो मेरी गाड़ी के बारे में मैं ऑलरेडी 3 रिव्यू बना चुका हूँ जो कि i20 2017 के बारे में थे। और मेरे साथ अभी है विशाल राव, मेरे हर व्लॉग में आपने इसको देखा होगा। सो अभी तक 3 वीडियो बना चुका हूँ i20 के ऊपर, लेकिन अभी भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है। उन्होंने मेरे को फिर से बोला कि गाड़ी का पूरा रिव्यू बनाओ। सो मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट वीडियो होगी i20 के बारे में, 2017 के बारे में। तो उन सबको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा जो कहते हैं मेरे को कि आपकी गाड़ी में कम फीचर आए हैं। फॉर यू ऑल, ये गाड़ी आई थी जून 2017 में। सो इस गाड़ी के फीचर्स कम करके, इसका प्राइस कम करके ये गाड़ी निकाली गई थी। साथ ही साथ इस गाड़ी को निकालने के पीछे मेन रीज़न ये था, कॉम्पिटिशन में बलिनो कार थी, तो इसीलिए ये इस गाड़ी का प्राइस और फीचर कम किए गए थे। सो आज का जो ब्लॉग है वो होगा i20 2017 जून मॉडल में जो गाड़ी आई थी, और पूरा का पूरा मैं इसको आपका रिव्यू देने वाला हूँ। और मेरी इस गाड़ी का जो मॉडल है वो है एस्टा मॉडल, और जो कलर है वो है स्टारडस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। सो ये है i20 2017। ये मॉडल आया था 2017 जून में। सो इसकी लाइट से पहले स्टार्ट करता हूँ। नॉर्मल हेडलाइट्स है, इसके अंदर कोई भी प्रोजेक्शन लैम्प या कुछ नहीं है, नॉर्मल बल्ब लगा हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा अगर साइड की तरफ जाके बात करूँ तो आपको यहाँ पर क्रोम ग्रिल मिलती है। सो क्रोम ग्रिल आप देख सकते हैं, वेरी अट्रैक्टिव अगर सामने से आप इसका लुक देख रहे हैं। सो उसके बाद Hyundai का अपना लोगो टैग यहाँ पर आता है। उसके बाद यू गेट द फॉग लैम्प्स, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है लेकिन रास्ते में या रोड में चलाने के लिए बहुत अच्छी है। इसके बाद अगर थोड़ा साइड की तरफ जाके बात करूं तो सबसे पहले जो चीज़ दिखती है और जिसके बारे में लोग जानना चाहते थे कि क्या ये एलॉयज़ है कि नहीं है, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जी हाँ ये एलॉयज़ है। लेकिन इसके बाहर जो ये आप कह सकते हैं कप टाइप का लगा हुआ है या फिर बाहर वाली चीज़ है, ये है प्लास्टिक की बनी हुई। सो बेसिकली ये एलॉयज़ है, लेकिन ये एलॉय जो है आपके बाहर आपको इसके साथ ये प्लास्टिक वाली चीज़ मिलती है। इसके बाद अगर मैं अपने गाड़ी के ओपनिंग की साइड में जाऊं तो आपको यहाँ पर कीलेस एंट्री वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, जो कि आपको पहले मिला करता था, लेकिन जून मॉडल के बाद आपको वो चीज़ें नहीं मिलती है। सो गाड़ी के अंदर अगर बैठ के आपको बताऊं कि क्या डिफरेंट है, तो सबसे पहले आपका स्टेयरिंग, अगेन पहले ही पूरा नॉर्मल स्टेयरिंग है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा खास चेंज हुआ है, लेकिन चलाने में बहुत स्लीक है, प्लस कटिंग बहुत ईजिली होती है। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि एस्टा मॉडल में पहले आपको मिलता था स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, अब स्टार्ट एंड स्टॉप बटन नहीं आता है। स्टार्ट एंड स्टॉप बटन हटाकर उन्होंने जो एक बहुत अच्छा फीचर दिया है वो है आपका ये सिस्टम, ये आपका पूरा का पूरा टच सिस्टम है। अगेन अगर इसकी कीज़ के बारे में बात करूँ, सो नॉर्मल दिखने वाली कीज़ है जैसी आपकी i20 के साथ पहले आती थी, ऐसे किया यहाँ से आपकी ये गाड़ी इसमें लगी, इसमें चाबी लगी, ऑन हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं Hyundai का नाम लिखा हुआ आ रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है। इसमें Apple CarPlay भी है, Android Auto भी। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है, मैंने इस सिस्टम के बारे में बता चुका हूँ, तो ऊपर लिंक आ रहा है, लिंक में क्लिक करो और आपको आपको जो है इस पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा। इसके बारे थोड़े अगर नीचे जाता हूँ तो इसके में आप देख सकते हैं आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल वाला आता है। क्लाइमेट कंट्रोल बेसिकली आप यहाँ से अपनी कितनी तेज़ हवा चाहिए वो कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं कि आपको कितना टेम्परेचर चाहिए। मैं वैसे प्रीफर करता हूँ दिल्ली में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, सो 18 नहीं तो आप अगर ऑटो में करेंगे तो ऑटोमेटिक जो भी टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाता है। इसके बाद गोइंग टू द डाउन साइड, यू विल फाइंड ऑक्स USB 12 वोल्ट और 180 वोल्ट का ये आपको चार्जर यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद कमिंग टू द शिफ्टर। सो शिफ्टर के बारे में अगर बात करूँ तो छोटा, स्लीक और बहुत अच्छा है, मेरे को पसंद है बेसिकली, छोटा तो अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं एयर वेंट्स के बारे में, तो 1 2 3 4 और 5 और 6 बोल सकते हो, वैसे 5 में ही है। सो ये तो बात हो गई इसकी कितनी जगहों से हवा आती है। उसके बाद आपके स्टेयरिंग के बारे में अगर बात करूँ तो स्टेयरिंग में आपको सारा म्यूट का बटन, वॉल्यूम अप डाउन, कॉल उठाना, कॉल काटना, मोड का बटन, रीसेट, ट्रिप, आपको सब कुछ मिलता है। साथ में अगर एयरबैग्स के बारे में बात करूँ तो आपको इस मॉडल में मिलते हैं 2 एयरबैग्स, एक मिलता है आपको ड्राइवर सीट में और एक मिलता है आपको ड्राइवर के साथ वाली सीट में। ये बात तो हो गई कि गाड़ी के अंदर क्या की फीचर थे या गाड़ी अंदर से कैसे दिखती है। अब दिखाता हूँ मैं आपको गाड़ी का इंटीरियर। इंटीरियर के बारे में अगर बात करें तो मैंने जो इसमें सीट कवर्स लगाए हुए हैं वो ब्लैक और बीज कलर में है। सेम आपको यहाँ पर बीज और ब्लैक कलर में आपको ये इंटीरियर मिलता है, तो गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। अगर इसके बारे में आपको दिखाऊं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि गाड़ी पीछे से भी दिखने में कितनी अच्छी है। और जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो है आपका हैंड रेस्ट। हैंड रेस्ट व्हेन यू आर ड्राइविंग तो आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपका हाथ एक होल्ड रहता है तो उतनी ज़्यादा थकान नहीं होती जितनी आपको हैंड रेस्ट के बिना होगी। इसके बाद एक चीज़ जो लोग मेरे से पूछते हैं, आप प्लीज़ हमें बैठ के दिखाइए कि पीछे अगर कोई बंदा बैठता है तो उसके लिए कितनी जगह बचती है। सो अभी मैं बहुत कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ, सीट अभी आगे हो रखी है, थोड़ी सी पीछे हो जाएगी तो उसके बाद भी बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि आप लगा लो इतना तो इसमें डिस्टेंस है। अगर कोई बंदा बीच में भी बैठ रहा है सो उसके लिए भी काफ़ी जगह है। तो अगर जगह के वाइज देखा जाए i20 के अंदर तो जगह बहुत अच्छी है। गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में बात करूं तो गाड़ी का बूट स्पेस है 285 लीटर्स का, काफ़ी जगह है बैठने के। उससे अगर आप देखेंगे तो मेरा मतलब एक हाथ से भी ज़्यादा का स्पेस पूरा का पूरा इसमें है। सो काफ़ी सामान आपका इस गाड़ी के अंदर आ सकता है। तो ये है आपकी गाड़ी का इंजन जो कि कुछ ऐसा दिखता है, बहुत अच्छा इंजन है। अंदर से आप देख सकते हैं Hyundai का पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको सारा नंबर मिलता है अपना। सो अब गाड़ी को मैं ऑन करके दिखाऊंगा कि गाड़ी की एक्चुअल में आवाज़ कैसी आती है जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, और जब आप गाड़ी को एक्सेलेरेट कर रहे हैं तो गाड़ी से आवाज़ कैसे आती है। तो हम अब गाड़ी को ऑन करेंगे, गाड़ी ऑन कर लो। सो गाड़ी आपने ऑन किया, बिल्कुल नॉइज़ नहीं है। अब हम थोड़ा एक्सेलेरेट करेंगे, एक बार एक्सेलेरेट करके दिखाएँ। तो बहुत ओके है, कुछ भी ऐसी कोई ख़ास आवाज़ नहीं है। अगर एसी ऑन करते हैं एक बारी तो क्या चेंज आपको इसमें देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। तो इंजन वाइज, नॉइस वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है। Hyundai, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। कुछ लोग ये साइड मिरर्स के बारे में भी जानना चाहते हैं जो फोल्डेबल भी है। सो इनके बारे में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो वही पुराना सिस्टम जो आपको पुरानी i20 में मिलता था वही सब कुछ है। इससे आपके ये बंद भी हो सकते हैं, प्लस जब आप टर्न लेते हैं तो इसमें लाइट जलेगी। ये सब तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन बताना तो मेरा बनता है ना। तो गाड़ी का जो पहले आपको कैमरा मिलता था वो पहले आपके इस वाले मिरर में मिला करता था, जो कि ये मिरर था। इसमें एक बटन होता था, यहाँ पर आपकी आधी स्क्रीन में आपको दिखता था। लेकिन इस वाले मॉडल में अब आपको जो आपका बैक कैमरा है वो इसमें दिखता है। सो मैं आपको गाड़ी बैक करके दिखाता हूँ कि कैसे इसमें गाड़ी बैक होती है। इससे आप देख सकते हैं कि अगर मैं अपना हैंडल इस तरफ कर रहा हूँ तो ये पूरा पूरा एक्सेस इस तरफ जा रहा है, अगर मैं इस तरफ कर रहा हूँ तो एक्सेस इस तरफ जा रहा है। ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा है जो कि Hyundai ने स्टार्ट किया था, हो सकता है किसी और ब्रांड ने भी किया हो, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली जैसे सिटी का किया था या ब्रेज़ा का किया था उन सब में ये इतना खास नहीं था। सिटी में हो सकता है कि उसमें सराउंडिंग दिखाता था क्योंकि वो 3 डायमेंशनल था, लेकिन ये जो मोड़ने वाली चीज़ है ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि ब्रेज़ा में नहीं था और सियाज में भी मेरे को नहीं मिला था। सो अगर आप Hyundai की ये गाड़ी ले रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। सो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव से मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी को चला के आप लोगों को बताऊँगा कि गाड़ी चलने में कैसी है। मैंने तो ऑलरेडी इसको बहुत टाइम से चला रहा हूँ, लेकिन केवल आप लोगों के लिए मैंने पहला गियर डाल लिया है एंड वी आर रेडी टू गो। सो सबसे पहले इस गाड़ी का फ़ायदा कह दो या कम परफॉर्मेंस वाइज कह दो तो गाड़ी का सबसे बड़ा ये है कि जब मैं इसको फर्स्ट गियर में डालता हूँ और गाड़ी चलनी स्टार्ट होती है तो पिकअप उतनी खास नहीं है जितनी नॉर्मल कार्स होती है, स्पेशली जब गाड़ी का एसी ऑन है। लेकिन वंस आपकी गाड़ी का एसी बंद है या फिर आप 60 की स्पीड में पहुँच जाते हैं सो उसके बाद गाड़ी की परफॉर्मेंस इज जस्ट अमेजिंग चलाने में। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे गाड़ी के अंदर अभी तक लगी है वो है गाड़ी की हैंडलिंग। गाड़ी का जो हैंडल है वो इस तरीके से बनाया गया है कि जो एक नॉर्मल आप जैसे मेरे ऐसा बंदा इस गाड़ी को चला रहा है तो उसके लिए चलाने के लिए बहुत ईजी है इस कार में। इसके बाद बात आती है ब्रेकिंग के बारे में। सो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। अगर मैं एक चीज़ आपको दिखाऊँ अभी, सो मैं अभी ब्रेक कर रहा हूँ, मैंने हैंडल छोड़ा हुआ है, सो वेरी स्मूथ। अगर ब्रेकिंग की बात करूँ, अगर आप तेज स्पीड में हैं, आपको एकदम ब्रेकिंग लेनी है, तो उसमें भी गाड़ी का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहता है। अभी विशाल ने भी कुछ टाइम पहले गाड़ी चलाई थी, उसके फ्रेंड ने i20 ऑप्शनल लिया, सो वो भी एक चीज़ यही कह रहा था कि एसी में जब गाड़ी ऑन होती है तो पिकअप इतनी खास नहीं है, लेकिन जब गाड़ी चलने लग जाती है, मतलब लाइक 40 to 50 to 60 ऐसे पहुंच जाती है, तो उसके बाद गाड़ी के अंदर एक चीज़ है जो बहुत अच्छा है, वो ये है कि गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है, गाड़ी में नॉइज़ नहीं है, और गाड़ी का इंजन बहुत एफिशिएंट है। 1200 सीसी का इसका इंजन है और बहुत एफिशिएंट है चलने में। साथ में गियर शिफ्टिंग की अगर बात करो, मैं थर्ड गियर से फोर्थ गियर में जा रहा हूँ, तो स्मूथनेस है गाड़ी के अंदर, गाड़ी कोई जर्क नहीं देती है। और ऑफकोर्स ही बात है, अगर मैं इस गाड़ी को तेज चला रहा हूँ, हाईवे में चला रहा हूँ या रोड पर चला रहा हूँ, तो गाड़ी में बिल्कुल भी पीछे झूला नहीं खाती है, या फिर आप बोल सकते हैं शेकीनेस नहीं है पीछे। तो गाड़ी के बारे में मैं आपको जितना भी रिव्यू या गाड़ी के बारे में बता सकता था वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद कई सारे लोग हैं जो मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपने अपनी i20 कब ली थी। हमारे पास तो इससे पहले की 2017 की गाड़ी पड़ी हुई है, लेकिन हमारी वाली गाड़ी तो सस्ती थी, आपको ये गाड़ी महंगी कैसे पड़ी है। और प्लस उससे सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी गाड़ी में इतने कम फीचर्स क्यों है। सो उन सब के लिए मैं एक जवाब देना चाहूँगा कि यार इस गाड़ी के फीचर्स इसलिए कम है क्योंकि ये गाड़ी ऑफकोर्स ही बात है कि मुझे 784 की मिली है, जो कि एस्टा मॉडल इससे पहले कभी इतना सस्ता नहीं आता था। प्लस उसमें से इन्होंने फीचर्स हटा दिए हैं क्योंकि अभी कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, तो मार्केट में आप पूरा कॉम्पीट कर पाए, तो उन्होंने इसलिए ये सब चीज़ें निकाली है। लेकिन जो सबसे अच्छी मेरे लिए चीज़ है वो है मेरे लिए एप्पल कारप्ले और जो एंड्रॉयड ऑटो मिल गया हमको अपने टच सिस्टम में। मैं चाहता था कि ये सब कुछ आ जाए। मेरे लिए स्टार्ट या स्टॉप बटन इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता जितना कि ये सिस्टम रखता है। सो अकॉर्डिंग टू मी तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी फेयर डील है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हाँ आपकी बहुत सारी चीज़ें, कीलेस एंट्री हटा दी है, पीछे के वाइपर्स ऑटोमेटिक वाले वो हटा दिए। सो हाँ ऑफकोर्स ही बात है कि चीजें तो हटी है, साइड में आपके क्रोम हैंडल्स भी आते थे वो भी हटा दिए। लेकिन अगर इन सबको हटा के आप प्राइस की तरफ और फीचर्स की तरफ देखें जो इन्होंने अब दिए तो काफी अच्छे हैं, मेरे को जितना लगता है। सो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात कि सर आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस कितनी होती है। सो गाड़ी की मेंटेनेंस की अगर बात करूँ तो यार अभी तक तो फ्री सर्विस चल रही है, फ्री सर्विस में ज्यादा पैसे लगते नहीं है, कह सकते हो कि फ्री में 1000-2000 रुपये अपनी जेब से लगते हैं स्टार्टिंग में। बाकी मैंने इसमें दो चीज़ें जो कराई है वो है टिफ्लॉन कोटिंग और एंटी रस्ट, जो कि मुझे अराउंड 7000 की पड़ी थी, एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन 7000 के अराउंड पड़ी थी, और वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का रंग कभी ना उड़े तो यू शुड गो फॉर द टिफ्लॉन कोटिंग, और एंटी रस्ट गाड़ी के नीचे होती है क्योंकि एंटी रस्ट कराने से आपकी गाड़ी जैसे कभी भी रस्ट नहीं खाएगी नीचे से। प्लस इसको आप आई गेस साल में कितनी भी बार करा सकते हैं जब भी आप चाहे कराना। सो एक ये की फीचर है। चलो ये बात हो गई दूसरी बात की मेंटेनेंस कितने की होती है। अब तीसरी चीज में आते हैं कि सर जब आपने ये गाड़ी खरीदी थी तो आपको इसके साथ क्या क्या फ्री चीज़ें मिली थी। तो इसके साथ फ्री चीज़ें कुछ नहीं कहूँगा, जो कि आप ये देख सकते हैं सीट कवर्स। सो ये सीट कवर मेरे को अराउंड 7000 के पड़ रहे थे उस टाइम पे। सो मैंने 7000 का कुछ ऑफ करवाया था और शायद से या फिर ऑफ था मेरे को मिला था, तो मेरे को आप कह सकते हैं कि मेरे को ये चीज़ें दो फ्री मिली थी। उसके बाद एक भगवान जी की मूर्ति और सो कॉल्ड एम्बिप्योर टाइप का ये चीज़ मिलती है, इसके सिवा आपको कुछ मिलता नहीं है। अब ये हमारी तीसरी चीज़ ये भी खत्म हो गई। अब जो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि गाड़ी एवरेज कितना देती है। सो गाड़ी की अगर एवरेज की बात करूँ तो गाड़ी की एवरेज अभी करेंटली 16, 17, 18, 19, अगर इसके बीच में आप मेरे से पूछेंगे तो 16 से 17 के बीच में एवरेज दे रही है। कंपनी वाले 18.5 कहते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा 18.5 नहीं मिली क्योंकि एसी में गाड़ी चल रही है, तो एसी में गाड़ी आपकी 16 से 17 की एवरेज ही देगी। सो वी आर डूइंग 0 to 100 i20 का। सो फर्स्ट गियर डाल दिया एंड हियर वी गो। ये जो 0 to 100 आप लोगों ने अभी देखा है ये एसी ऑन में था। सो अब देखते हैं कि एसी ऑफ करने के बाद 0 to 100 कार कितनी जाती है। वी आर डूइंग 0 to 100 एसी ऑफ। सो फर्स्ट गियर डाल लिया एंड हियर वी गो। ये था 0-100 AC ऑफ में। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि सर हमको i20 एस्टा लेनी चाहिए या फिर i20 ऑप्शनल। सो आप सबको बता देता हूँ कि जब गाड़ियां आनी स्टार्ट हुई थी i20 Elite, सो i20 Elite में जो स्पोर्ट्स मॉडल था वो एक तरीके से बेसिक मॉडल माना जाता था, एस्टा मॉडल टॉप माना जाता था और एस्टा ऑप्शनल जो है वो टॉप का सबसे बेस्ट माना जाता था। तो अब के टाइम में जब जून के बाद से ये सब चेंजेस आए तो एक तरीके से स्पोर्ट्स आपका बिल्कुल बेसिक मॉडल रह गया, एस्टा मॉडल आप कह सकते हैं एक तरीके से कि मिड और टॉप के बीच में है, ऑप्शनल आपका टॉप मॉडल हो चुका है और इसके बाद आपके पास ड्यूल टोन आता है जो कि आपका सबसे टॉप मॉडल है। सो अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को बिल्कुल बेसिक गाड़ी चाहिए और जिसमें ये आपके पास सिस्टम अच्छा मिल रहा है, चलाने के लिए सब कुछ है, सब कुछ फीचर्स जो है i20 एस्टा के अंदर है, केवल अगर आप देखेंगे पुश बटन और वाइपर्स को हटा देते हैं तो ये भी एक तरीके से टॉप मॉडल है। तो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड गो फॉर i20 Elite एस्टा मॉडल 2017 जो बेसिकली है, 18 में पता नहीं क्या चेंज आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ वेरी गुड कार, चलाने में बहुत स्मूथ है और मजा आता है इस गाड़ी को चलाने में ऑन ए सीरियस नोट। आई होप कि मेरा ये जो पूरा का पूरा ब्लॉग था ये आप सबको पसंद आया होगा। रिव्यू, टेस्ट ड्राइव, गाड़ी के फीचर्स, गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, एवरेज कितनी है, प्राइस क्या है, गाड़ी की मेंटेनेंस कितनी होती है, गाड़ी की हैंडलिंग कैसे, इस सब चीजों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको लगता है कि और कुछ भी आप जानना चाहते हैं कि मैंने गाड़ी कहां से ली थी, कैसे ली थी, गाड़ी का सिस्टम कैसा है, तो ऊपर सारे के सारे आपको व्हाइट कलर की चीजें लगी हुई मिलेगी, उसमें किसी में भी क्लिक करो आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। विद दिस आई विल एंड माय व्लॉग। आई होप कि आपको ये सब की सब चीजें जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, क्योंकि एक लाइक करने से मेरा एक लाइक बढ़ता है, प्लस मेरी वीडियो और लोग भी देख सकते हैं। सो विद दिस आई विल एंड माय व्लॉग एंड नेक्स्ट रिव्यू में मिलते हैं। विशाल अभी बाहर है लेकिन नेक्स्ट रिव्यू में उसको लेके आऊंगा, ठीक है? टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।